पुलिस की फुर्तियां, वजीर-ए-आज़म के भांजे के घर डकैती करने वाले एक रोज बाद ही पकड़े गए। अवाम जमा पूंजी से महरूम, शहरियों को लूटने वाले आजाद फिरने लगे। लाहौर में मुकीम वजीर-ए-आज़म इमरान खान के भांजे की रिहायशगाह में मुसल्ला अफराद ने दाखिल होकर असलहे के जोर पर अहले खानों को लूट लिया था। नकाबपोश डाकुओं ने खवातीन से 8 तलाई चूड़ियां उतरवा ली, घर में मौजूद पिस्तौल छीना और चेक पर 30 लाख रुपए की रकम लिखकर भांजे की अहलिया से जबरदस्ती दस्तखत करवा के फरार हो गए। बाद अज़ां वजीर-ए-आज़म के भांजे के घर पेश आने वाले डकैती के वाकये का मुकदमा शेर शाह की मुद्दईयत में दर्ज किया गया था। FIR के मतन में लिखा गया था कि डाकू कीमती चूड़ियां, पिस्तौल और चेक पर रकम लिखकर इस पर दस्तखत करवा के फरार हो गए। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया था। लाहौर में नकबजनी और डकैती में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से शहरी 1 करोड़ से ज्यादा मालियत के जेवरात और नकदी समेत दीगर कीमती अशिया से महरूम हो गए।